यहाँ पर आप साइड में जो लोन देख रहे हो, ये वाला जो लोन है वो हमें मिला है एक नई वेबसाइट के थ्रू। एक नई वेबसाइट आई है, इस वाली वेबसाइट के थ्रू जो भी डिफॉल्टर लोग हैं या फिर जिनको कहीं से भी अगर लोन नहीं मिल रहा है, तो वो लोग यहाँ से 1500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का लोन ले रहे हैं। अब से पहले अगर आप लोन लेने के लिए प्ले स्टोर पर लोन देने वाले जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, अगर आप उनसे लोन के लिए अप्लाई करते थे, तो अब आप इन वाले एप्लीकेशंस को भूल जाओ। इन वाले एप्लीकेशन से अब आपको लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन वाले एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर सबसे पहले लोन देने के लिए आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, और 99% केस में भले ही आपका सिबिल स्कोर कितना भी हो, आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसी नई वेबसाइट बताने वाला हूं, जिस वाली वेबसाइट के थ्रू बहुत से जो डिफॉल्टर लोग हैं उन्होंने लोन लिया है, और जितने भी डिफॉल्टर लोग हैं जिन्होंने पहले लोन ले लिया है और उसका टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, और उन्हें अगर लोन की जरूरत है तो यह वाली जो वेबसाइट है उनको यहां पर लोन दे रही है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका सिबिल स्कोर भी सही है, पहली बार वो लोन ले रहे हैं और कहीं से अगर उनको लोन नहीं मिल रहा है तो यहां से भी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यह जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से RBI एंड NBFC रजिस्टर्ड है। तो यहां पर मैं आपको इस वाले वीडियो में इस वाली वेबसाइट के थ्रू लाइव टू लाइव आपको लोन अप्लाई करके बताऊंगा, साथ ही साथ लोन का जो यहां पर कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको कर बताऊंगा कि यहां से अगर आप लोन लेते हैं तो यहां पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, क्या आपका इंटरेस्ट रेट कम लगता है या फिर ज्यादा लगता है, क्या आपको यहां से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको तुरंत के तुरंत लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको जो लोन की पूरी डिटेल्स है उसको आपको समझना है, और उसी के बाद लास्ट में आपको डिसीजन लेना है कि मुझे यहां से लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। तो मैं आपको यहां पर इस वाले वीडियो में लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊं, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक करने का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे यहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लो, जिससे मैं जब भी कोई लोन की न्यू वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इन दोनों चैनल हवाला टेक सपोर्ट, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों चैनल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन पर क्लिक करके आप इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी लोन रिलेटेड नया कोई भी ऑफर आता है, न्यू कोई भी स्कीम आती है, तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपको इन्हीं दोनों चैनल्स पर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर आपको जो वेबसाइट बता रहे हैं इस वाली वीडियो के अंदर, उसका नाम है लैंड प्लस वेबसाइट। इस वाली वेबसाइट पर जब आप आओगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। जितना भी आपको लोन लेना है यहाँ पर आप 500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन लेने से पहले इस वाली वेबसाइट की जो डिटेल्स है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप नीचे आओगे तो लिखा हुआ है 15 मिनट का यहां पर प्रोसेस लगेगा और क्विक डिस्बर्सल, क्विक अप्रूवल यहां पर हो जाएगा। यहां पर आप अगर पहली बार लोन लेंगे तो कम से कम आपको 2500 रुपए का लोन लेना है, तब जाके ही आपका यहां पर लोन अप्लाई होगा, लोन अप्रूव होगा। और यहां पर आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड के हिसाब से ही आपको यहां पर लोन मिल जाएगा। अब आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, किसी भी ब्रांच के अंदर आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पर आपको अगर लोन लेना है तो यहां पर आपका क्रेडिट हिस्ट्री चाहे कितना ही हो, कितना ही आपका सिबिल स्कोर हो, आपको यहां पर लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 प्रोसेस आपको करने हैं और 3 प्रोसेस के अंदर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर होगा। इसके अलावा यहां पर सबसे जरूरी है कि लोन लेने से पहले हमें यह चेक करना है कि यह जो कंपनी है वो RBI रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है।
तो उसके लिए हम नीचे आएंगे। बिल्कुल नीचे आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो कंपनी है वो पूरी तरीके से RBI एंड NBFC रजिस्टर्ड है, जिसका लेंडिंग पार्टनर है नवीन ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर इस वाली कंपनी का जो GST नंबर वगैरह है या फिर इसका जो भी RBI नंबर वगैरह है वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाया हुआ है। तो मतलब आप यहाँ पर बेझिझक होके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो वहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर कितना लगेगा। डॉक्यूमेंट वगैरह की हमने यहाँ पर बात कर ली, अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू द कस्टमर ऑन द लोन अमाउंट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 0.1% पर डे लग रहा है। मतलब पर डे का यहाँ पर आपको 0.1% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर लोन लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर आना है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कितने रुपए का लोन लेना है। तो यहाँ पर हम कम से कम 2500, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कम से कम 2500 का लोन ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2500 रुपए को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद लिखा हुआ है सेलेक्ट लोन पर्पज, मतलब आप लोन क्यों ले रहे हो, आपका लोन लेने का कारण क्या है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कारण है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर ए लोन, हम इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इमरजेंसी हो तभी आपको यहां से लोन लेना है, क्योंकि लोन लेना एक बहुत ही बुरी लत है। क्योंकि आप यह मत सोचो कि अगर आप लोन ले लोगे तो उसका आपको रिपेमेंट नहीं करना है। आप कहीं से भी लोन लें आपको लोन तो चुकाना ही होगा। अगर आप नहीं चुकाओगे तो आपकी पेनल्टी वगैरह हाई हो जाएगी। आप जितना लोन लोगे उसका डबल तिबल आपका पेनल्टी लगाकर आपसे वसूला जाएगा। इसके अलावा आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी यहां पर डाउन हो सकता है। अब आपको लोन लेने के लिए यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपसे मांगी जाएगी। यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, नीचे आपको अपना लास्ट नेम डालना है, नीचे आपको यहां पर कैलेंडर पर क्लिक करके आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सेलेक्ट करनी है, नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा यहां पर आपके जो चिल्ड्रंस हैं वो हैं, अगर हैं तो यस करेंगे अन्यथा आप नो करेंगे। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, मतलब आप क्या करते हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर पुलिस मिलिट्री के अंदर वर्क करते हैं, लीगल सर्विसेज देते हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हैं, आप जो भी हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो सैलरी है वो कब आती है, कितनी तारीख को आपकी सैलरी आती है। तो जितनी तारीख को आपकी सैलरी आती है उस वाले दिन को, उस वाली तारीख को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपकी जो मंथली इनकम है वो आपको लिखनी है। तो कम से कम 30,000 रुपये आपको यहाँ पर अपनी मंथली इनकम लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट जो भी प्लेस है वहाँ पर आपने आपका जो वर्क है, आपका जो ड्यूरेशन है वर्क करने का वो कितना है। तो यहाँ पर आपको इतना लिख देना है। उसके बाद जिस भी कंपनी के अंदर आपने काम किया है उस वाली कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद जो भी आपके कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपका कोई भी फ्रेंड है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, उसका फ़ोन नंबर लिखना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एक रिलेटिव का नाम पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अपने किसी भी रिलेटिव का नाम लिख देना है, नीचे आपको उस वाले रिलेटिव का फ़ोन नंबर लिखना है और रिलेटिव का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको लिखना है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको जिसका भी लोन आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, आपको वह वाला OTP डाल देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएगी, जिस वाले बैंक अकाउंट के अंदर आपको लोन का पैसा लेना है। उसके बाद एक बैंक अकाउंट का आपको यहां पर ऑटो सेटअप करना होगा, इनच करना होगा। उसका मतलब यह होगा कि जिस भी वाले बैंक अकाउंट को आप यहां पर ऑटो सेटअप के लिए सेट करेंगे उस वाले अकाउंट से ऑटोमेटिक आपकी जो किस्त है वो कट हो जाएगी। अगर आपसे बैंक अकाउंट का ऑटो पे सेटअप करने के लिए नहीं बोला जाता तो आपको नहीं करना है। उसके बाद जो भी आपका लोन है उसका प्रीव्यू
भी आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आप जितने रुपए का लोन ले रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिया 0.1% पर डे के हिसाब से आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगेगा। उसके बाद सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी और फाइनल आपने यहाँ पर जितना भी लोन अप्रूव के लिए डाला होगा इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वाली वेबसाइट से सस्ता अगर आपको कोई लोन लेना है बैंक के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू तो उनके लिए मैंने सैकड़ों वीडियो बना रखे हैं, आप उन वाले वीडियो को देख लो। किसी ना किसी वीडियो में कोई ना कोई बैंक ऐसा होगा, कोई ना कोई मोबाइल ऐप ऐसा होगा जो कि आपको कम सिबिल पर कम डॉक्यूमेंट पर आपको लोन दे देगा।